राधे राधे। रण छोड़कर राजनीति में भी जीत हासिल करने वाले कृष्ण की नगरी मथुरा में आपका स्वागत है। मथुरा से सांसद हैं हेमा मालिनी। उन्होंने 5 साल में कितना काम कराया, जनता कितनी खुश है, सरकार अपने तमाम वादों में कितनी खरी उतर पाई है, ये आज मथुरा के लोग बनाएंगे। तो आप माहौल बनाए रखिए क्योंकि आज हम मथुरा में हैं। तो आज हमारे साथ मथुरा में नेता भी हैं, जनता भी है, विपक्ष भी है, पक्ष भी है। तो जनता के सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद है बीजेपी से मौजूदा मेयर। पहला सवाल सत्ताधारी पार्टी से, सवाल ये है कि मथुरा में सबसे बड़ी समस्या है खारे पानी की। इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या काम किया है यहाँ पर सांसद हेमा मालिनी जी ने? हेमा मालिनी जी ने पूरे क्षेत्र में जगह जगह आरोप प्लांट लगाए हैं। आरोप प्लांट लगाए हैं बोल दिया, यहाँ पर आरोप प्लांट लगे हैं कि नहीं लगे? आरोप प्लांट यहाँ समाजवादी पार्टी सरकार में लगे हुए हैं, हेमा मालिनी सरकार में इतने आरोप प्लांट नहीं लगे जितने समाजवादी पार्टी में लगे। यहाँ जो हेमा मालिनी ने वादे किए थे वो सारे झूठे साबित हुए। मोदी जी ने वादे किए थे कि महंगाई हटाएंगे, बेरोजगारों को। मेयर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर आरोप प्लांट लगे हैं, कहाँ कहाँ पर आरोप प्लांट लगे? कोई आरोप प्लांट नहीं है, कोई आरोप प्लांट नहीं है, केवल ये चुनावों के टाइम पे बस अपने जुमलों से आते हैं। आरोप प्लांट लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। डिग्गेट पर लगा हुआ जो नजदीक, डिग्गेट पर लगा हुआ जो नजदीक है 100 मीटर समथिंग। यहाँ पर तो बोल रहे आरोप प्लांट लगा हुआ है, डिग्गेट पे, डिग्गेट पे आरोप प्लांट लगा, देखा नहीं आपने? पता नहीं इधर उधर लगा हुआ, कहीं दिखता तो नहीं है, सबको तो नहीं दिखता ना, सबको तो नहीं दिखता, कहाँ लग रहा है? आरोप प्लांट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? जहाँ आप कैंपेन कर रहे हैं यहाँ कोई बताया दे लगा है? पार्टी वाले बताए, बिना पार्टी वाले बताए, पक्ष विपक्ष कोई बताए लगा कि नहीं लगा? आरोप प्लांट लगा कि नहीं लगा? जन्म भूमि पर लगा हुआ है, चौक में भी लग रहा है, चौक बाजार में भी लग रहा है। चलिए कहाँ कहाँ लगा हुआ है? हाँ डी गेट पे लगा हुआ है, भूतेश्वर पे लगा हुआ है, चौक में लगा हुआ है, तीन जहाँ हमारी जानकारी और जाते आते रहते हैं बाजार में वहाँ देखते हैं। बताइए यहाँ तो आरोप प्लांट लगा हुआ है तो समाजवादी पार्टी के लोग आरोप किस बात का लगाते हैं? देखिए आप जाकर देखिए खुद सुतई, 10 दिन आरोप प्लांट काम करते हैं और 20 दिन काम नहीं करते हैं। ज्यादातर मैं समझता हूँ आरोप प्लांटों पे तारे ताले, हाँ 10 दिन काम करते हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। देखिए इन लोगों ने कभी काम 10 दिन काम करते हैं और 20 दिन उनमें ताला लगा रहता है। आप लगे हुए लेकिन सिर्फ 10 दिन काम करते हैं, इन्होंने मान लिया ना लगे हुए हैं, ये बात मान लिया, इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं। 20 दिन ताले लगे होते ये भी उन्होंने कह दिया, इन्होंने झूठ बोलना इनकी आदत है, धरती पर कोई काम नहीं। मैं सच हो गया लेकिन मैंने कह दिया 20 दिन ताले लग रहे हैं तो वो झूठ हो गया। ये कह रहे हैं 20 दिन ताले लगे हैं, क्या होता है? झूठ बोलना इनकी शख्सियत रही है। आरोप प्लांट लगे सर, लगे हैं। और ये जो 20 दिन बंद करने की बात करते, क्या इन्होंने 20 दिन जाके देखा है? वहाँ पूछिए इनसे, मैंने देखा, मथुरा की जनता देखती है, मथुरा की जनता। आप जहाँ जहाँ जिस आरोप प्लांट कहाँ लगे हुए हैं? कहीं पे कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी के समय की जो योजना थी वो लगे हुए हैं, इन पे बिगड़े हुए नहीं बन रहे। और इनके बारे में 4 लाइन केवल, मन मेले तन उजरे बगुला भगत अनेक, इनते तो कागा बलो जो भीतर बाहर एक, दिया था तेल चरखे को नतीजा कुछ नहीं निकला, वही अड़ाड़ वही खड़खड़ जो पहले थी वो अब भी है। मुँह में ये कह रहे मुँह में राम बगल में छुरी, जनता बोल रही है। देखिए धरातल पे इन लोगों ने कभी कोई काम नहीं किया और बुराई उस व्यक्ति की होती है जो कुछ करता है। मैं यहाँ का मेयर हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ। यहाँ की सड़कें दिखाते हैं, इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ की सड़कें भी आगे की टूटी हुई है, कारण क्या है? यहाँ पर आगे की सड़कें टूटी हुई है, कारण क्या है? देखिए सड़कें क्यों टूटी? आप यहाँ रोड पर खड़ी हुई है, आप ये देखिए यहाँ सड़क कहाँ टूटी हुई है, आप देखिए ना आगे की रोड की बात, मैं खुद देखा। आप दिखाइए, और ये लेडीज खड़ी है, मुझसे मत पूछिए, यहाँ की जनता से पूछिए। बीजेपी का वादा गड्ढा मुक्त सड़कों की, यहाँ पर कुछ दूरी पर सड़कें टूटी हुई है, कारण क्या है? सड़कें टूटी हुई, रिश्वत चौगनी, और केवल वही लोग, आप कपड़ों से अंदाज लगा लो कि कहाँ रईस और कहाँ भीड़ चौकीदार, केवल अमीरों का है, गरीबों का कोई चौकीदार नहीं है। बताइए क्या बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ, देखिए मैडम समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी आरोप प्लांट लगे हुए हैं, उसी टाइम के लगे हुए, जिस सड़क पे आप खड़ी हुई हैं ये भी समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। ये तो बोल रहे हैं इन्होंने बनवाई, सुनिए, अरे गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनका तो काम ही झूठ बोलना है। ये देश की ये ठगबंधन, मैं बता रहा हूँ, ये ठगबंधन, ये जो ठगबंधन है, निधि से लगे हैं हेमा मालिनी जी, सांसद निधि से लगे हैं। इन्होंने केवल देखिए मुर्गा फाटक वगैरह जितने भी गलत मुर्गा फाटक वगैरह जितने भी बने हुए वहाँ पे केवल इन्होंने नेम प्लेट अपनी लगवा दी, समाजवादी पार्टी के शासन की बनी हुई है। नेम प्लेट लगाना आता है इन पे, बस अपने दूसरे के काम को अपना काम बताते हैं।
समाजवादी पार्टी ने सिर्फ नारियल फोड़े हैं, काम सिर्फ बीजेपी ने कराया है। आज तक जितना कार्य हुआ है वो बीजेपी के राज में हुआ है। इन्होंने बताइए, आपने कह रहे हैं कि आपने सिर्फ नारियल फोड़े हैं, काम तो बीजेपी ने कराया। अरे सुनिए, यहाँ की सांसद महोदय हेमा मालिनी जी ने स्मार्ट सिटी के लिए कहा था, मथुरा आज तक नहीं बनी। उन्होंने गांव है ना रावल है ना गोद, केवल मैडम यहाँ पर जो काम दिख रहा है वो हेमा जी का ही दिख रहा है। समाजवादी ने, समाजवादी ने बढ़ी है की सांसद कैसी हो, हेमा मालिनी जैसी हो। जनता तो खुश है, कांग्रेस ने महेश पाठक जी को खड़ा किया है, क्या कहेंगे, हेमा मालिनी को चक्कर देंगे? कोई सवाल ही नहीं है मैडम, कहाँ आप बात कर रही है, कोई सवाल ही नहीं है। सड़कें गड्ढा मुक्त हुई कि नहीं हुई? गड्ढा मुक्त हो गई, सड़कें गड्ढा मुक्त हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। बीजेपी पर आरोप लगते हैं 2 करोड़ रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया, अंत में पकड़ा पकड़ा दिया और अब चौकीदारी का नया रोजगार दिया है। देखिए ये लोग काम तो कभी करते नहीं। आप देख रही होंगी कि भारत में जो विकास हुआ है, आज भी भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। इन लोगों का काम सिर्फ ये गठबंधन जो हुआ है, ये गठबंधन नहीं, ये बहुत बड़ा ठगबंधन है। जब देश में सुई का निर्माण नहीं होता था, आज मंगलयान पे हम लोग जा रहे हैं, आज हवाई जहाज का निर्माण इंडिया में हो रहा है। आप देखिए जो भी कुछ आज हिंदुस्तान में, वो सब कांग्रेस का 70 साल का इतिहास। भगत जगत को ठगत है, जगत ठगत सोई संत, और जो संतन को ठगत है उसका ही नाम मेहनत। आजकल ये हो रहा है, चौकीदार चोर है। नंबर देंगे मथुरा की स्वच्छता को 10 में से? मथुरा के स्वच्छता के अंदर 8 नंबर देंगे, 8 नंबर यानी कि स्वच्छ है मथुरा। चलिए क्या कहेंगे मथुरा की जनता, क्या बोलेगी, स्मार्ट सिटी बना कि नहीं बना मथुरा? देखिए स्मार्ट सिटी की बात नहीं मैडम, आज जो समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, इन्हें गठबंधन की क्या जरूरत पड़ गई भाई? अगर आप वाकई में काम कर रहे होते तो आप एक दूसरे की बैसाखी पे क्यों खड़े हो? और जितनी सारी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी और बीएसपी को गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई? कांग्रेस से सवाल नहीं करेंगे, कांग्रेस को अलग होगा। अरे हम इनको ये बताइए, क्या मोदी अकेला लड़ रहा है चुनाव? क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रहा है? हाँ जी देखो एनडीए एनडीए नेताजी कह रहे हैं कि बीजेपी का भी तो एनडीए गठबंधन है, वो पहले से था, लेकिन 40 पार्टियों से ठगबंधन, इनका महागिरावट है, इनके अंदर महागिरावट। खुद गठबंधन करते हैं तो कुछ नहीं है, यहाँ 2 पार्टियां क्या मिल गई, उनको आरोप लगा रहे हैं। 40 पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, महबूबा वाले, महबूबा वाले हैं, माया वाले हैं, फरे भी हैं, कपटी हैं। तो अखिलेश यादव हो गए, वक्त बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है। ये सब जो ये विकास गिनाते हैं, ये पूर्व सरकारों के किए हुए गलत बोल रहे हैं। आप देखिए मथुरा महानगर पालिका महानगर निगम की स्थिति आप देखिए, आज 51 पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं महानगर निगम में, ये क्या है? सिर्फ कोई योजना नहीं है, सारी दिखावा है और जनता को गुमराह करने वाला है। युवाओं से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, क्या कहेंगे? 2 करोड़ रोजगार बीजेपी का वादा, मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले, नहीं मिले, बिल्कुल रोजगार नहीं मिला। जो भी बेगर, अरे जो भी वैकेंसी निकलती है वो रद्द कर देते हैं ये बीजेपी वाले। बताइए कह रहे हैं जो भी वैकेंसी निकलती है रद्द कर देते हैं। देखिए बीजेपी सरकार सबको रोजगार दे रही है और मैं आपको बेरोजगारी दर बढ़ती क्यों जा रही है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, चंद एक आध बताएं कहाँ दे दिया रोजगार। देखिए हरियाणा में 2600, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मथुरा के लोगों को 2500 रोजगार अभी मिले हैं, अभी छीन लिया रोजगार, देना तो बहुत दूर, रोजगार छीन लिया गया। बात जो सांसद हैं वर्तमान में हेमा मालिनी जी पर मक्खी का जैसा दाग नहीं है, जितने भी पूर्व सांसद आए सब लिप्त हैं, चौधरी लिप्त थे, पूरी तरह से लिप्त हैं। अच्छा क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मैं तो जो कह रही मोदी से हमें कोई शिकायत नहीं, अपनी समस्या से हमारी सफाई नहीं हो रही है, ना नाली साफ होती है, ना कूड़े वाला झाड़ रहा है। बीजेपी का वादा स्वच्छ भारत अभियान का, यहाँ पर खड़ा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा बीजेपी इस वादे पर? बीजेपी वाले तो सब ठीक, बीजेपी वाले से सब ठीक है, सफाई होती है कि नहीं होती? नहीं हो रही है सफाई। देखिए सफाई कोई मुद्दा नहीं होता है, हवा नहीं होता है, स्वच्छ भारत अभियान बीजेपी का बड़ा मिशन, स्वच्छता कोई मुद्दा ही नहीं है। सफाई मैडम, स्वच्छ भारत अभियान के प्रोता हैं ये लोग और ये कह रहे हैं सफाई कोई मुद्दा नहीं होता। भारत के तो आप भी हैं, नहीं भारत के तो आप
सफाई एक ऐसी चीज है, सफाई एक ऐसी चीज है, हवाल करा दीजिए, एक घंटा बाद फिर गंदा होगा। तो वो एक अलग बात है, मैं जानता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे यहाँ से पर्दे सफाई वाले जाते हैं। क्या कहेंगे, जैन चौधरी यहाँ से पूर्व सांसद थे, हेमा मालिनी वर्तमान सांसद है, कितना काम करा है, किस पर ज्यादा भरोसा? देखिए, काम के नाम पे निलवटा सन्नाटा है, कहीं पर भी किसी जगह जाइए। और सबसे बड़ा मैं आपको एक सिर्फ कहना चाहूंगा, 2014 में जो मोदी जी बैठे हुए हैं तब से लेकर के अब तक कितने युवाओं को रोजगार मिला है, और कितने रोजगार युवा 2 करोड़ रोजगार का नहीं, कितने युवाओं को रोजगार मिला है, कितने रोज युवा भुखमरी बेरोजगारी बता रहे हैं, भुखमरी बेरोजगारी में कारगर है इस तरीके से। नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं है, मतलब पिछली सरकार, आज का जो पार्षद है ना बीजेपी का, वो भी अपनी गुंडागिरी दिखा रहा है। राम मंदिर पर बात कर लेते हैं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर बनवाना, इस पर आप क्या कहेंगे साधु संत? तो बनेगा राम मंदिर में, कोई रोक टोक नहीं है, राम मंदिर बनेगा, बीजेपी के अलावा कोई नहीं बन पाएगा, केवल जुमलों की पार्टी है बीजेपी, जुमलों की बनवा दू मंदिर, चाहे रुको मंदिर चाहो लेकिन स्वयं हमारी ऐसी व्यवस्था है कि स्वयं मुसलमान लोग ही मंदिर को बना के देंगे, मंदिर हम कल बनवा दे, मंदिर हम बनवा दे कल बनेगा मंदिर। आज बत्ती आ रही है, आज 10-10 घंटे तक बत्ती नहीं आती थी, और आज 24 घंटे बत्ती चल रही है, बत्ती 24 घंटे बत्ती चल रही है, किसी रोड पे किसी रोड पे जो भी है बिजली का। देखिए इनका कहना है, देखिए यहाँ पे जो भी पावर प्लांट है, जो भी कुछ है, वो सब अखिलेश सरकार की देन है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कर उत्तर मैडम ने बताया 2400 घंटे पूरा किया है, सारा विकास जो किया है वो योगी जी मोदी जी ने किया है, अन्य तक किस्म है, विकास गायब है। यहाँ सपा बसपा कांग्रेस कैंडिडेट खड़े हुए, ये कहे सब कि राम मंदिर बनना चाहिए, ये क्या कहते हैं, बिल्कुल बनना चाहिए। पहले भाजपा बताएगा ये राम मंदिर चाहती है, जो मुस्लिम पत्रकार हैं वो भी ये चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन इनकी राजनीतिक रोटियां कैसे सिकेंगी, केवल भाजपा बनाना चाहती है, ये कहना और साथ दे भाजपा का, राम मंदिर बनेगा, राम सबके बनना चाहिए, लेकिन आप पूरी माइनॉरिटी में थे, आपने अब राम मंदिर नहीं बनाया, अब कब राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर भाजपा बनाएगी। आरक्षण के नाम पर अध्यादेश ला सकते हैं, लेकिन राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर मंदिर बन जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी खत्म हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, ये विपरीत विचारधारा के सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर के मोदी जी से लड़ रहे हैं, इससे बड़ी सफलता मोदी की और क्या होगी, और ये सब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ है। मेरी बात सुनिए, जिनको विरोध करना है वो विरोध करेंगे, अब कोई एविडेंस नहीं है और चोर बता रहे हैं उसे, अभी इनकी मूर्खता जो साबित तो हो रही है, नहीं बोल रहे हैं बराबर चोर, अभी इनको कोई माननी का दावा करते हैं, चोर तो चोर है ना, हम तो चौकीदार है, बाकी तो सब चोर है। 60 साल हो गए लोगों को करते हुए, दिखा नहीं भाजपा को, आज वो राय में हाथ में राय लेके उगा दे, टाइम लगता है हर चीज में, टाइम लगता है। समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं मथुरा स्मार्ट नहीं हुआ, जनता ने बोल दिया मथुरा स्मार्ट हो चुका है, मथुरा स्मार्ट हो चुका, हर चीज जुमला झूठ, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, खुद देख लीजिए, इन्होंने सिर्फ खुद का विकास किया है, बाकी जनता का कोई विकास, गेट का विकास नहीं कर पाए, अब मथुरा की बात करते हैं, अब हृदय स्थल का विकास नहीं कर पाए, 2-2 फुट के गड्ढे हो रहे हैं, आप जानकर देखिए, बिल्कुल मथुरा पहला नगर निगम बना है, और पहले नगर निगम को 1.5 साल हुए हैं, और इतना बढ़िया काम हुआ है कि आज तक कोई रोजगार नहीं मिला, ये जुमले वाली पार्टी है, राम मंदिर के नाम पर उन लोगों को ठगा, पकोड़े का बना व्यवसाय बना दिया, अब कह रहे हैं चौकीदार बन जाओ, यहाँ की रहने वाली है, हम यहीं के मथुरा के, यहीं के रहने वाली है, जहाँ आप खड़े हैं, क्या बोल रहे थे आप, कहाँ पर खड़े हैं हमारा, देखो लेटरिन बाथरूम बनी हुई है यहाँ सामने डिवाइडर पे कोने पे, और माँ ताले लगे हुए, और वो औरतें जो बस वाली आती है, यही एक ऐसा मच है, जब जनता और मेयर आमने सामने चुनाव का पूरे का क्यों तारे लगे, ये बिल्कुल तारे नहीं लगे हुए हैं,
हर जगह तारे खुले हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? बनाकर तो दिए किसी ने नहीं किया है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सपा बसपा के लोग सिर्फ उद्यम करना जानते हैं, नाटक करना जानते ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम हैं मथुरा में, मथुरा के लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है, 5 साल के वादों पर सरकार कितनी खड़ी हो पाई है। अभी हम फिर लौट करके आए हैं, लेते हैं छोटा सा विराम। स्वागत है आपका कृष्ण की नगरी मथुरा में। हमने लिया था एक छोटा सा विराम, विराम से वापस आ गए। सवाल नेताजी पर है। जनता ने आरोप लगाया था कि काम सारे कागज पर हो रहे हैं, रोजगार पर बात हो रही थी, आपने आरोप लगाए थे। अब नेताजी से सवाल का जवाब लेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। देखिए मैडम, मथुरा में एक एक कार आप जान के देख लीजिएगा। रोजगार के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि कोई रोजगार मैं रोजगार की भी बता रहा हूँ। पहले तो आप ये देख लीजिए कि मथुरा में सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ की जनता का शौचालय वहाँ पर है पीछे, वो देखिए वहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ कुछ लोगों ने ये मंदिर बना हुआ है सामने, इसलिए ये सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ताले की बात बता दे रहा हूँ। ये मंदिर बना हुआ था कि ये रहा सामने, यहाँ के लोगों ने ये कहकर कि यहाँ मंदिर है, यहाँ ये शौचालय नहीं रहना चाहिए, और हर जगह ताले खुले हुए हैं। ये सुनेंगे नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, ये मंदिर वालों ने ये कहकर कि यहाँ पर जो है मंदिर है सामने, यहाँ पर ये नहीं खुलना चाहिए, लेकिन क्योंकि दूर 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 ताला बंद है, आजमपुर में ताला बंद है, बस स्टैंड पर ताला बंद है। मैडम और सुनिए, इनसे ये पूछिए, एक सेकंड मैडम सवाल ले रही हो, इनसे पूछिए कि 52 ग्राम पंचायत नगर में सम्मिलित हुई थी, अगर किसी में भी सफाई कर्मचारी हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेयर साहब बताइए, ये आज ही राजनीति छोड़ दे 51 गांव में, और कम से कम 15 आदमी हर गांव में। मैं आज दिखा, मैं रिकॉर्ड सही दूंगा, मैं रिकॉर्ड दूंगा इस बात का। ये राजनीति छोड़ दूंगा मैडम, मैं रिकॉर्ड दूंगा, मैं भी राजनीति छोड़, मैं राजनीति छोड़ दूं, ये आज ही राजनीति। जनता को रियलिटी चाहिए, रिकॉर्ड का क्या करेगी जनता? जनता रिकॉर्ड में करेगी क्या? जनता को रियलिटी चाहिए। बीजेपी के काम रिकॉर्डों में होते हैं, बस काम जमीन पे काम चाहिए, कागजों में चाहिए, जमीन पर काम चाहिए, जमीन पर। बीजेपी की तमाम वादे पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे? पिछले 10 दिन से पानी नहीं था हमारे एरिया में, क्या पहुंच रहा है? कुछ नहीं। हर घर और यहाँ पर बड़े बड़े आरओ प्लांट लगाने का वादा किया, कहाँ मिला है? सब बंद पड़ा हुआ है। भाजपा सरकार में विकास हुआ, इनके ऑफिस हो गए 5 स्टार, ठीक है, सिर्फ वहाँ विकास हुआ है। और सफाई हो रही है, जनता की गाड़ी कमाई को सफाई कर रहे हैं ये, और कोई सफाई नहीं हो रही है। जवाब जवाब दीजिए, जनता की गाड़ी कमाई की जनता जनता लगातार जवाब दे रही है। मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करने का वादा बीजेपी का था, सिर्फ 5 साल राजा ने किया है, बीजेपी ने किया है। मथुरा घोषणा हो चुकी है, बरसाने की घोषणा हो चुकी है। ये घोषणा मंत्री है, घोषणा तो 15 लाख की, काले धन की, धारा 370 की, मंदिर बनाने की, नौकरी की, लेकिन निकला हर घोषणा पे खड़े उतरे, हर घोषणा पे खड़े उतरे हैं। और ये 3.5 लाख वोटर था, हिमाची पहले सिलेक्शन जीती है, श्रीकांत शर्मा जीते हैं। मथुरा शहर तीर्थ स्थल, मथुरा मथुरा अरे है क्यों नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ, मथुरा बिल्कुल घोषित होगा। मेयर साहब की हम व्यक्तिगत रूप से तारीफ करते हैं, लेकिन पिछले म्युनिसिपैलिटी बोर्ड ने, इनके ने जो भाजपा का था, उसने यमुना शुद्धिकरण के नाम पर करोड़ों रुपए नगर पालिका में खाने का काम किया। कि मथुरा स्मार्ट सिटी घोषित हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई है। मथुरा की सड़कें गड्ढामुक्त हुई कि नहीं हुई? नहीं, हमारे कुछ नहीं किया है मैडम। आरओ प्लांट लगे कि नहीं लगे? अरे नहीं लगे, बंद पड़े हुए थे, क्या भी नहीं लगे, बिल्कुल नहीं लगे, कहीं लगे तो चाहे नहीं, मना कुछ नहीं, मना कुछ काम नहीं हुआ, रोड गंदी पड़ी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं
जो कि हरित प्रदेश का नारा देते हैं और जब मंत्री पद मिल जाता है केंद्र में तो उसको भूल जाते हैं, आज हरित प्रदेश याद नहीं आता है। एक तरफ वो लोग हैं जो ब्रज प्रदेश का नारा देते हैं, ब्रज प्रदेश का नारा देते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं तो जाके बंबई में बैठ जाते हैं, राधा बन के केवल यहाँ नाच नृत्य करने के लिए आते हैं और फिर से 5 साल के अंदर जिसके पास जितनी क्वालिफिकेशन होगी उसके आधार पर जॉब मिलेगी उसको। क्वालिफाइड अगर बंदे नहीं रहेंगे तो नहीं पड़ेगी, लेकिन रोजगार मुझे जॉब मिली है, मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझे जॉब मिली है। भगवान कृष्ण जब यहाँ से चले गए थे तो गोपियाँ आंसुओं से रोई थी, उनके आंसू जमीन के अंदर गए, उससे खारी पानी हुआ है। भगवान कृष्ण की देन है, भगवान श्री कृष्ण की देन है। मैं बताता हूँ मथुरा की, मैं बताता हूँ एक सेकंड। माटी कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज और मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त जाए। ये ब्रज प्रदेश वो स्थान है, इन्होंने नई कहानी बना दी कि गोपियों के आंसू गिरे उससे पानी खारी हुआ। खारी तो इनके कर्मों से हुआ है, इन लोगों ने विकास नहीं किया। हनुमान चालीसा पढ़ के मथुरा के लोग बंदर भगा पाए कि नहीं पाए? वो पूछा बंदर छोड़ दो, इनके बंदर गए, बंदर भाग गए और क्या गए बंदर यहाँ से नहीं यार बीजेपी बंदर भागे। अरे बंदर को मतलब मैडम मंदिर वाली जगह से कलंक हटा दिया भैया, मथुरा के बंदर भगाने हैं तो हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं, बंदरों का इतना आतंक है कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई भी शांत चालीसा पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते? नहीं, कोई कुछ नहीं को पढ़ पाता है, पर हनुमान चालीसा ही को लेकर भाग जाते हैं। और मैडम सबसे बड़ा बंदर से एक मौत हुई है घटना, हनुमान चालीसा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? योगी जी तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़िए बंदर। अति भक्ति चोर लक्षणम। दस बार हनुमान चालीसा पढ़ी बंदर नहीं भागा मैडम, अब तो वो खुद हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। की जनता योगी जी से ये सवाल करने वाली है कि साहब हमने हनुमान चालीसा पढ़ी लेकिन बंदर भागे नहीं, हमको खा गए, तो योगी जी शायद इस सवाल का जवाब अब मथुरा की देखिए। बंदरों पे मैं पूरा कार्य करा रहा हूँ, बंदर मथुरा में पकड़ पा रहा हूँ और मथुरा से बंदर गायब। पहले सुन लीजिए मेरी बात, मैं हनुमान चालीसा पर बात नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री की नहीं मानेंगे बताइए, भाजपा के मेयर है मुख्यमंत्री की नहीं मानेंगे? अखिलेश यादव जी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, हमने पकड़ रहा है, हमने मैडम मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं ये बता रहा हूँ बंदरों की समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। मैं पूरा काम करा रहा हूँ, मुझसे पहले यानी भारतीय जनता पार्टी से पहले सरकार अखिलेश जी की रही थी, इनसे ये पूछा तुमने कितने बंदर भगाए? हमने मैडम बंदर भी भगाए और बंदर काम नहीं कर सकते, हम जानते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से बंदर भागते कि नहीं भागते, दिल से बताइएगा हाँ या ना? देखिए मैं हनुमान चालीसा जाना ही नहीं चाहता, मैं हम भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्रम पर विश्वास करती है, मैं वो कार्य कर रहा हूँ। योगी जी किस पे सुनिए मैम, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी क्रम पर भरोसा करती है और योगी जी हनुमान चालीसा पर भरोसा करते हैं, बताओ अपने मुख्यमंत्री कहते हैं हनुमान चालीसा का, मैं नुमाइंदा मुख्यमंत्री जी का हूँ, मैं मथुरा में कार्य कर रहा हूँ, बंदर जाएंगे 100% जाएंगे, मैं काम कर रहा हूँ। नहीं 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 हनुमान चालीसा मैं नहीं बोलता, ये काम पर विश्वास नहीं रखता, मैं काम पर विश्वास, मैं कर्म पर चालीसा चुनाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तेरे लोगों को जागर, राम दूत पवन सुत रामा। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कान है मूंज साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन। मैं ये कह रहा हूँ अब तो देखिए इन लोगों ने पढ़ दिया बंदर भाग जाने चाहिए, मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ। बीजेपी के मेयर को हनुमान चालीसा नहीं आती और योगी जी मैं सुनाता हूँ, मैं आपको यहाँ बैठ कर पूरा हनुमान सुनाता हूँ, ये सब आज ही छोड़ देंगे राजे, ये सभी छोड़ देंगे। श्री गुरु चरण इस देश में मुस्लिम का निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमर जसु जो दायक फल चार। ये सब कहने वाली बात है, राजनीति हो रही है, आप भी देखते हो हम भी देखते हैं। हेमा मालिनी सांसद है।
है, कितना विश्वास करते हैं उनको, कितना काम करते हैं। देखिए मैडम, हेमा मालिनी पर्टिकुलर वाली बात है तो अलग बात है, अच्छी मेजर इसमें कोई शक नहीं है। क्या लग रहा है, हेमा मालिनी दोबारा से खड़ी हो रही है, क्या जनता क्या करेगी? हमारा तो बोल दिया कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। कितना विकास हुआ है मथुरा का? थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा तो नहीं हुआ। लड़कियां गड्ढा मुक्त हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। मेयर साहब तो बोल रहे हैं 2500 लोगों को रोजगार मिल गया। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं मिला। का मूड क्या है, कांग्रेस बीजेपी गठबंधन? बीजेपी 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 जीतेगी। लोगों से जानने की कोशिश करेगी 5 साल में सरकार के वादों पर कितनी खरी हो पाई है। यहाँ पर लोगों की मिली जुली राय हमको मिल गई। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के लिए।